नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, यह कहना है सौम्या चौरसिया का, जब उन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। आपको बता दें कि सीएम बघेल ने अभी हाल ही में एक के बाद एक छह ट्वीट कर कहा था कि ईडी और आईटी की टीम अफसरों और कारोबारियों को प्रताड़ित कर रही है, उनकी पिटाई कर रही है, जिससे कई लोगों की हड्डियां भी टूट गई हैं और उन्हें सुनाई देना भी बंद हो गया है। और मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए ईडी के कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि अगर इस तरह की शिकायतें लगातार मिलती रहीं तो पुलिस एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि जब हम समुचित ढंग से जाँच में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं तो इस प्रकार की शिकायतें आने से पुलिस कानूनी रूप से कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगी। आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अपर सचिव सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने 10 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में उन्हें रखने के आदेश दिए हैं। अब 10 दिसंबर को अपर सचिव सौम्या चौरसिया को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बचाव पक्ष के वकील इसे जहां राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, उनका कहना है कि पूछताछ में सौम्या चौरसिया पूरा सहयोग दे रही हैं, जब जब उन्हें बुलाया गया है वे आई हैं। गिरफ्तारी के पहले 9 बार उनको बुलाया गया था और वह आई थी। इसके पहले भी उनके यहां 2 बार इनकम टैक्स और 1 बार ईडी की रेड हुई थी। तीनों रेड में सौम्या चौरसिया के पास से कोई भी चीज़ इनकम टैक्स और ईडी ने जब्त नहीं की। गौरतलब है कि 11 अक्टूबर से जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है और कब तक जारी रहेगी यह तो वक्त ही बताएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।